अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिजा टीवी। आज मैं आपको बहुत ही मज़े का चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें 3 कप मैदा चाहिए, 2 टेबलस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट और नीम गरम पानी चाहिए। मैदे में 2 टेबलस्पून यीस्ट डाला है और सॉल्ट और शुगर डाली है इसमें 1 टीस्पून। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने से इसमें एयर पैदा हो जाती है, जिससे डो बहुत ही अच्छी फूलती है। अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें ताकि उससे अच्छी सी डो गूंद जाए। पानी नीम गर्म होना चाहिए। इसको हम अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट गूंदेंगे। ये अच्छे तरीके से गूंद चुकी है। अब हम इसको ऑयल लगाएंगे। इसको अच्छी तरीके से ऑयल लगाना है और 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देना है। इसको ढक के रखें 1 घंटे के लिए। ये बहुत अच्छे से फूल जाएगी। चिकन लिया है 1/2 kg बोनलेस, दही लिया है 1 कप, ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, चिकन टिक्का मसाला लें 2 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबलस्पून। ये बोनलेस चिकन में ऑयल डाला है, इसकी छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं चिकन की। इसमें ऑयल डाला है, ये दही डाल रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से फेंटा हुआ है। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ये चिकन टिक्का मसाला है, इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन तंदूरी मसाला भी मिक्स किया हुआ है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही अच्छी टिक्का मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। इसको मैरिनेट करके 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये डो फूल गई है, इसको एक दफ़ा से दोबारा गूंद लेंगे और फिर से ढक के रख देंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ये अब भूनना शुरू हो गया है। इसको अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट भूनना है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से भून गया है और टिक्के तैयार हो गए हैं। एक देचके में सॉल्ट लेंगे, उसके अंदर कोई भी चीज़ रख दें, प्लेट या कोई सांचा। इसको हम प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट प्री हीट हो जाएगा। अब हम पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। हम डो को एक पैन में सेट करेंगे। अब बारीक शिमला मिर्चें ली हैं, ये प्याज है, ये ओरिगानो लिया है, ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये चिकन टिक्का है और ये पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए चीज़ है। अब हम फोक की मदद से इसमें निशान लगाएंगे। अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे अच्छे तरीके से फैलाकर। बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। अब इसके ऊपर हम चिकन डालेंगे, चिकन टिक्का। चिकन टिक्का को भी अच्छे तरीके से फैलाकर डाल देंगे। बहुत ही अच्छी सी लेयर लगाएंगे हम। अब इसके ऊपर हम शिमला मिर्चें डालेंगे।
ये नन्हे मुन्ने से प्यारे से हाथ मेरी प्यारी सी भतीजी के हैं, वो हमारे साथ हेल्प करा रही है। अच्छे तरीके से शिमला मिर्च डाल देंगे हम इसके ऊपर। इसके बाद हम प्याज डालेंगे। अच्छे तरीके से प्याज डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम ओरिगैनो डाल रहे हैं। इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे और चीज़ से अच्छे तरीके से पिज़्ज़े को कवर कर देंगे। ये बहुत ही मज़े का और यम्मी तैयार होने वाला पिज़्ज़ा है, बहुत डिलीशियस है और बहुत ही इजी रेसिपी है। अब हम इसको प्री हीटेड पतीले में रख देंगे। इसको कवर कर देंगे लीड से और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और इसके किनारे भी ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ही ख़तरनाक और मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। ये नहायत ईजी और मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह।